हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन हम एक ही शेयर से रिलेटेड जिसका नाम है रुचि सोया, डेली बेसिस पे ओवरऑल का ऑल टाइम का अपना हाई लगाते जा रहा है। दोस्तों, डेली बेसिस पे सर्किट लगाते जा रहा है 5% का। अब उसका जो 5% का सर्किट लग रहा है दोस्तों, वो डेली बेसिस पे पॉइंट ऑफ व्यू में बढ़ते भी जा रहा है। ठीक है, एक बात तो ये, देन सेकेंड बात ये, उसने क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट यहाँ पर पेश किए और जो क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट में नंबर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, काफ़ी लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो लॉस किस प्रकार से देखने को मिल रहा है ये भी हम बात करेंगे। लगभग 4000 करोड़ का यहाँ पर लॉस दिखा रहा है। ठीक है, मैंने अभी आपको नंबर्स दिखाए हैं, वो नंबर किस प्रकार से हैं ये आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले रुचि सोया का आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, मार्केट में किस प्रकार से रहा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो ऑल टाइम का हाई लगाते लगाते आप देख सकते हो प्राइस कितना चले गया है, 1519 रुपये के शेयर प्राइस यहाँ पर स्टॉक का हो चुका है। ठीक है, वहीं पर डेली बेसिस पर अगर आप देखोगे तो 52 बिक का ही आपको फ्रेश यहाँ पर 52 बिक का ही डेली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर आप डिलीवरी पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर डिलीवरी पैटर्न जो कि आप देख सकते हो, जो कि डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो किस ट्रेडर्स के हाथ में बाय लक, ये AMO के ऑर्डर के बेस पे दोस्तों, ठीक है, स्टॉक में पोजीशन मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 75,000 की क्वांटिटी आज भी डिलीवरी देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, अब मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों की, जो ट्रेडर्स ये पोजीशन पे ले रहे हैं, अगर ये स्टॉक पलट जाता है, अगर मान लीजिए स्टॉक सडनली नीचे भी आ जाता है, तो आप पूरी तरीके से स्टॉक में फंस सकते हो। ठीक है, एक बात तो ये, जिसने लोअर प्राइस से स्टॉक को ख़रीदा दोस्तों, उसका तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग वो कर सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से लेने के लिए थोड़ा सा वेट करिए। डेली बेसिस पे दोस्तों आप लोगों को पता है स्टॉक सर्किट लगा रहा है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर इसने जो रिजल्ट पेश किया, काफ़ी लॉस भरा भी पेश किया है। ठीक है, कंपनी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, कंपनी इन्फॉर्मेशन पे किस प्रकार का है, जिस प्रकार से भी है, मार्केट का काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिल रहा है स्टॉक में। ठीक है, वहीं पर आप देख सकते हो क्वार्टर जो फर्स्ट में इन्होंने रिजल्ट पेश किया था, काफ़ी अच्छा खासा पेश किया था। शेयर होल्डर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर होल्डर पैटर्न उस पर आपको किस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप देखिए। ठीक है, मार्च क्वार्टर और ये जून क्वार्टर। ठीक है, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको काफ़ी फिगर्स बदलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों को किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, ये जो प्रमोटर्स थे, प्रमोटर्स ने इनकी पूरी डिलीवरी यहाँ पर ख़त्म करी थी, जिस प्रकार से कंपनी काफ़ी लॉस में भी चल रही थी दोस्तों। देन उसके बाद बाबा रामदेव ने इसमें इन्वेस्ट किया, पतंजलि ने इसमें इन्वेस्ट किया। देन उसके बाद ये कंपनी आप देख सकते हो 99% का जो स्टेक है पतंजलि ग्रुप के पास है दोस्तों। ठीक है, और जो 1% अप्रॉक्सीमेट 1% का जो स्टेक है वो पब्लिक के बीच में घूम रहा है। ठीक है, बाबा रामदेव ने एक बात ये भी बोली है कि जो 75% का जो सेबी का रूल है, उस प्रकार से ये नियम बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं, तो ऑफर फोर्स सेल भी ला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कंपनी अच्छी है, कंपनी कोई बुरी नहीं है दोस्तों, लेकिन काफ़ी हाई लेवल पे है, हो सकता है दोस्तों रिजल्ट ख़राब आया, रिजल्ट के बेस पे हो सकता है थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला स्टॉक में, जैसे बीच में आप लोगों को कहीं कहीं देखने को मिला था, बहुत सारे ट्रेडर्स घबरा गए थे दोस्तों कि आप क्या करें, ऊपर से ख़रीदा दोस्तों, लगभग 700-750 के प्राइस से ही स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाना चालू कर दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत डराते हैं। अब आप लोगों को जो नंबर आए हैं वो नंबर के ऊपर लेके चलता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मैंने PDF डाउनलोड करा, वो PDF काफ़ी आड़ा टेढ़ा होने के कारण मैंने स्क्रीनशॉट खींचा, उसको सही ढंग से बना के आप लोगों के सामने में दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों, जो अपना 3 साइड का क्वार्टर है वो आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये जो तीनों कॉलम है ये दिखाने की कोशिश करूँगा, इसमें आप लोगों को मैं दिखाऊँगा ये कि आप देख सकते हो क्वार्टर 2019 का मार्च क्वार्टर। ठीक है, वहीं पर आप देख सकते हो जो क्वार्टर थर्ड है वो, और क्वार्टर फोर्थ। तो आप ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर इन क्वार्टर अपन इसे कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर जो फ्रेश रेवेन्यू कंपनी का, सबसे पहले वो अपन देख लेते हैं, जो टोटल इनकम हुआ है। ठीक है, कंपनी का ये क्वार्टर में जो रिजल्ट पेश किया, 3,20,902 रुपये का इसमें प्रॉफिट इसने दर्ज किया है। ठीक है, वहीं पर सेकेंड क्वार्टर में अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे, ठीक है, तो यही प्रॉफिट दोस्तों अपने को क्या देखने को मिला था, 3,72,000 का प्रॉफिट। मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर ये कम होते दिख रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से कम होते दिख रहा है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर की,
तो ईयर ऑन ईयर बेस पे भी यहाँ पर दोस्तों अपने को प्रॉफिट जो है बढ़ते दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर कंपैरिजन करें क्वार्टर टू क्वार्टर की तो काफ़ी कम होते हुए दिख रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर टोटल एक्सपेक्टेड की अगर बात करें, कंपनी का जो खर्चा है वो किस प्रकार से बढ़ा है, जो इम्प्लॉय रहते हैं उनकी सैलरी, जो प्रोडक्ट बनता है उसका रॉ मटेरियल, ये सब मिला के प्रोडक्ट बनने से लेके ए टू जेड जितना भी कंपनी में खर्च होता है वो आप देख सकते हो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पर, ईयर ऑन ईयर बेस पर अगर कंपेरिजन करोगे दोस्तों आप यहाँ पर, तो आप लोगों को दिखेगा 3,24,000 का खर्च, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कम होते हुए दिख रहा है, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये नंबर दोस्तों थोड़े डराने वाले हैं, ठीक है। क्या ईयर ऑन ईयर बेस पे जो रह रहा है जो प्रॉफिट वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो खर्चा है दोस्तों कंपनी का वो भी यहाँ पर हमें बढ़ते हुए दिख रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर आप बात होगी आफ्टर टैक्स, कंपनी ने जो टैक्स पे करना था वो पे करने के बाद सब काट पीट के जो प्रॉफिट बच रहा है दोस्तों, वो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बच रहा है, मात्र 4,000 करोड़ का जो लॉस है वो दिखा रहा है, ठीक है। ये माइनस में, ये जो फिगर है दोस्तों ये माइनस में, ठीक है, ये माइनस में किस प्रकार से आप देख सकते हो जो प्रॉफिट है बच के कितना आ रहा है, मात्र दोस्तों 4,000 करोड़ का, ठीक है, जो कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे यहाँ पर आप देख सकते हो कितना था, 7,00,000 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है, जो कि कम होके कितना आया है, मात्र 4,000 करोड़ का दोस्तों, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कंपनी का अभी कितना कम कंडीशन, कम कैटेगरी के अकॉर्डिंग मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिक जो रेटिंग है वो आप चेक कर सकते हो कितना कम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप देखोगे इसे, तो क्वार्टर में कितना था, सेकेंड क्वार्टर, फोर्थ, थर्ड क्वार्टर में यहाँ पर 4,000 के समथिंग का था, जो कि कम होकर मात्र 4% रह गया है। ईयर ऑन अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेट आपको 97% का दिखेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हो दोस्तों कि कंपनी ने कितना लॉस यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ठीक है। वहीं पर आप लोगों को मैं सेकेंड चीज़ दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कहाँ कहाँ प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिजनेस के जितने भी कंपनी का बिजनेस है, ठीक है, यहाँ पर कंपनी का ऑयल है, बिजनेस है, फूड, मतलब सॉरी बिजनेस के जो कौन कौन से है यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑयल है, ठीक है। वहीं पर आप सीड्स देखोगे, फूड्स देखोगे, यहाँ पर सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट इजीली पढ़ सकते हो दोस्तों, क्योंकि नंबर से वो बहुत ख़राब आए हैं दोस्तों। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि बाबा रामदेव ने जब से कंपनी खरीदा है दोस्तों, ठीक है, जब से ही स्टॉक मतलब सर्किट टू सर्किट लगाते जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार आप लोगों को चार्ट पैटर्न पर ले जाके और अच्छे से समझा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए डेली बेसिस पे आपको दिखेगा सर्किट लगाते हुए स्टॉक में, जिस प्रकार से सर्किट लग रहा है दोस्तों, अगर 5 दिन का चार्ट बताऊँ तो 5 दिन में भी स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, लगभग 21% का। एक महीने की बात करूँ सर्किट में जो प्रॉफिट दिया लगभग 193% का। अगर पॉइंट में देखिए तो 1000% आपको। अगर 6 महीने की मैं बात करता हूँ तो 6 महीने में आप देख सकते हो स्टॉक का पूरा ही प्राइस आ गया, जो कि आपको 8.5% का रिटर्न। जिसने दोस्तों बाय लकली स्टॉक अगर 3 रुपये या 4 रुपये के प्राइस पे ख़रीदा दोस्तों, वो तो इजीली यहाँ पर प्रॉफिट में है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है कि कंपनी यहाँ पर NSE BSE से जब हट गया था दोस्तों, ठीक है, मतलब पहले ये दूसरे के नाम पे जो कंपनी था रुचि सोया मात जो कंपनी थी उसका शेयर प्राइस काफ़ी हाई पोजिशन पर था, ठीक है। देन उसके बाद जो बाबा रामदेव ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी डबल से मार्केट में लिस्ट हुआ, आप चेक कर सकते हो। अगर ओवरऑल आपको चार्ट दिखाता हूँ तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर फरवरी के मंथ में ही यहाँ पर 21 रुपये के प्राइस से ये स्टॉक लिस्ट हुआ था NSE BSE पे दोस्तों, जिसके कारण से बाद में ही इसका मोमेंटम चालू हुआ, ठीक है, और काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। आगे भी हो सकता है दोस्तों, ये कितना चढ़ सकते हैं इसे कोई नहीं बोल सकता, कब इसमें लोअर सर्किट लगने लगे सेकेंड डे से। हो सकता है दोस्तों मंडे से जो फिगर्स नंबर्स आए हैं दोस्तों वो काफ़ी ख़राब आए, हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर ऊपर से आ जाए, बड़े काफ़ी हेवी क्वांटिटी में ऊपर से सेलिंग पोजीशन बन सकती है दोस्तों, जिसके कारण स्टॉक का प्राइस नीचे भी आ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी तगड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोगों को ही पता है, आप लोगों ने ही खरीदा है, किसी ने 3 रुपये के प्राइस पर स्टॉक को पकड़ा है, किसी ने 10 रुपये के, दोस्तों 100%
100% ट्रेडर्स में से अगर मैं बात करूँगा, 100% ट्रेडर्स ऐसे हैं, इन्वेस्टर ऐसे हैं जिसने इसमें 100 रुपये से ज़्यादा नीचे इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब 90, 80, 70 इसके बीच में ज़्यादा ट्रेडर्स ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। 100% में से अगर मैं इसका फिगर बताऊँ ना, तो लगभग आपको 70 से 80% ऐसे ट्रेडर्स मिलेंगे जिसने यहाँ पर 100 रुपये से नीचे इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, ठीक है। और उस इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट, अगर उन्होंने एक बार में, सब ट्रेडर्स एक बार में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो ईजिली ये स्टॉक अपने को लोअर सर्किट भी लगाते हुए दिख सकता है। लेकिन हो कि ईजिली इस प्रकार से अपने को नहीं देखने को मिले, स्टॉक काफ़ी हाई पोजीशन पे जाए और अच्छा खासा प्रॉफिट ट्रेडर्स को दे दोस्तों, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को फिगर्स बताया, उस फिगर्स को ध्यान में रखिए, ठीक है। जो भी नए ट्रेडर्स है वो थोड़ा इस स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि काफ़ी हाई पोजीशन पर स्टॉक आ चुका है, ठीक है। आप AMO ऑर्डर लगा के कोशिश मत करिए, ठीक है। बाकी जो होगा वो आप देखते रहिए स्टॉक में और इन्जॉय करते रहिए, बाकी इससे अच्छी अच्छी कंपनियां आप उसमें इजीली इन्वेस्टमेंट करिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए वीडियो को क्लोज करता हूँ। वीडियो को क्लोज करते समय आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली बेसिस पे इंट्राडे की टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों तक लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।